गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज इरफान अंसारी। टुडे माय पोस्टर प्रेजेंटेशन टॉपिक इज क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सेना एंड सिंकना अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र यादव। माय नेम इज इरफान अंसारी एंड माय को पार्टनर इज हंसु पांडे फ्रॉम हाइजे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाइनल ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग। क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग यूज फॉर बोथ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सिंगल हर्बल हर्बल फॉर्मुलेशन, यानी कोई भी हर्बल फॉर्मुलेशन है उसके थ्रू हम लोग अपना क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करते हैं टीएलसी प्लेट पे। द स्पॉट्स विजिबल इन टीएलसी प्लेट, जो स्पॉट्स विजिबल होते हैं हमारे टीएलसी प्लेट पे उसे हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कंटेंट प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी एंड पीटीएलसी प्लेट। टीएलसी स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, पीटीएलसी स्टैंड फॉर प्रिपरेटिव थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट सॉल्वेंट सिस्टम डेवलपमेंट, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट स्पॉटिंग ऑन प्लेट्स, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग। स्पॉटिंग ऑन प्लेट्स बाय टू टैक्स की स्पॉटिंग करते हैं टीएलसी प्लेट पे। एक बैंड स्पॉटिंग होता है, एक सर्कल स्पॉटिंग होता है। वी आर फर्दर डिस्कस अबाउट बैंड स्पॉटिंग एंड सर्कल स्पॉटिंग। नेक्स्ट मटेरियल एंड मेथड, मतलब हमने इसमें कौन कौन सा मटेरियल और कौन से मेथड यूज किए। मटेरियल हमने एक्सट्रैक्शन थ्रू द मैसुरेशन प्रोसेस के थ्रू हमने एक्सट्रैक्शन किया अपने सेना और सिंकोना को लेकर। सेना को लिया एक बीकर में और उसने सॉल्वेंट सिस्टम में एथेनॉल को ऐड किया और उससे केमिकल कॉन्स्टेंट उसको 24 आवर्स के लिए रख दिया। फिर उसमें स्टिर किया। स्टिर करने के बाद उसमें दो दो चार घंटे हम लोग स्टिर करते रहते हैं। फिर 24 आवर्स के बाद हम फिल्टर करके अपना केमिकल कॉन्स्टेंट फिर ब्रेकआउट करते हैं। फिर हम एक टीएलसी प्लेट बनाते हैं जिसमें सिलिका जेल जी और सिलिका जेल जीएफ यूज करते हैं। सिलिका जेल जीएफ इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे वो यूवी चैम्बर में जो फिंगर प्रिंटिंग है वो विजिबल हो सके। फिर इसको हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और कैपिलरी ट्यूब के थ्रू 1 सेंटीमीटर पे टीएलसी प्लेट के 1 सेंटीमीटर ऊपर हम स्पॉट लगाते हैं। फिर सॉल्वेंट सिस्टम डेवलप विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी। सॉल्वेंट सिस्टम इज आल्सो नोन एज मोबाइल पे एंड मोबाइल पे वी हैव डेवलप एंड सॉल्वेंट सिस्टम वी हैव डेवलप बाय द विजिबिलिटी चार्ट एंड पोलैरिटी चार्ट। दीज आर द पोलैरिटी चार्ट, मतलब इस बेस पे हम लोग अपना सॉल्वेंट सिस्टम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिजल्ट एंड डिस्कशन। हमारा रिजल्ट क्या निकलता है इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सिंकोना एंड सेना वाज डेवलप। हमने सिंकोना और सेना का क्रोमैटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया जिसका आरएफ वैल्यू सेना का आरएफ वैल्यू दीज आर द आरएफ वैल्यू ऑफ सिंकोना स्पॉट्स। सॉलिड सिस्टम जो हमने सेना में यूज किया एथेन और इथाइल स्टेट 1 और 2 के रेशियो में हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट ज्यादा लेते हैं और पोलर सॉल्वेंट कम लेते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड जो हमने सिंकोना के लिए सॉल्वेंट यूज किया वो हमने मेथनॉल और इथाइल स्टेट किया। और ये हमारा है केमिकल कॉन्स्टेंट, ये है सेना का, ये है सिंकोना का, इससे हम लोग अपना एक्सट्रैक्शन किए। और डी आर द टीएलसी प्लेट, डी आर दी आर फिंगर प्रिंटिंग ऑफ सेना एंड डी आर फिंगर प्रिंटिंग ऑफ सिंकोना। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द समरी एंड कंक्लूजन। इन दिस पोस्टर प्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस अबाउट न्यू सॉल्वेंट सिस्टम डेवलपमेंट, क्रोमैटोग्राफी फिंगर प्रिंटिंग एंड क्रोमैटोग्राफी एंड एक्सट्रैक्शन। द क्रोमैटोग्राफी टेक्निक वाइडली यूज्ड इन द मेनी एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल फील्ड्स एंड दीज आर द रेफरेंसेस वी हैव टेकन अबाउट दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।